हेलो नमस्ते, स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल में। मेरा नाम है स्वागत और आप देख रहे हैं मार्केट प्लेस। तो आज एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि है स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर। आपको अगर निफ्टी बैंक निफ्टी में ज़्यादा फायदा मुनाफा नहीं मिल पा रहा है तो मैं आपको एक ऐसा चीज़ बताने वाला हूँ जो कि आपको पहले से ही पता चल जाए कि आज कौन सा स्टॉक भागने वाला है और उसमें ऑप्शन कैसे करेंगे, कॉल ऑप्शन कैसे लेंगे या पुट ऑप्शन कैसे लेंगे। पूरा पहले से ही मार्केट आपको, मान लो कोई आके आपको बता देगा कि आज निफ्टी 50 तेरा 100 पॉइंट मूवमेंट देने वाला है, 200 पॉइंट मूवमेंट देने वाला है, तो बहुत अच्छा हो जाएगा आपको, क्योंकि आपको तो सब कुछ पता चल गया, आप कॉल लेके बैठ जाओगे। वैसे ही मैं आज एक फॉर्मूला देने वाला हूँ, जैसे मैं स्टॉक में आपको कैसे ही पहले से ही पता चल जाएगा ये स्टॉक आज भागने वाला है, ये स्टॉक से आज आपको पैसा मिलने वाला है। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और हर एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पेन पेपर ले आना उसको लिखने के लिए, क्योंकि अगर कोई भी एक चीज मिस हो जाएगा तो फिर आप फंस जाओगे, फिर दोबारा आप कमेंट करोगे सर मैंने लिया था तो ट्रैप हो गया। तो बेसिक से पूरा मैं इस वीडियो को कंप्लीट करूंगा एडवांस तक, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, फर्क नहीं पड़ता लंबा होने में, फर्क ये पड़ता है कि इस वीडियो में जो कंटेंट मैं दे रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। तो जाते जाते कमेंट भी जरूर करके जाना कि ये सब समझ में आया या समझ में नहीं आया। अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर देना, क्योंकि आपके लिए ये फ्री में इतना बढ़िया कंटेंट कोई नहीं लेके आता जो मैं लेके आ रहा हूँ, तो इस वीडियो का आपको देखना जरूरी है। अभी स्टार्ट करते हैं, स्क्रीन में चलेंगे, बढ़िया से देखेंगे एक्चुअली में हमको कैसे ट्रेड के साथ हमको एग्जीक्यूशन करना है, कैसे ट्रेड हमको लेना है। तो जैसे कि अभी हम लोग स्क्रीन में आ गए, तो स्क्रीन में आने के बाद हम लोग क्या फोकस करेंगे, सबसे पहले फोकस करेंगे यहाँ पे, एक सॉफ्टवेयर भी है फ्री का सॉफ्टवेयर, वो भी मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले हम आएंगे, जैसे मैं अभी मान लो आज मेरे को ट्रेड करना है, सिंपल चीज है, तो मैं अभी क्या क्या करूंगा, जैसे कि मुझे पता चल जाए कि मार्केट आज इस स्टॉक पर्टिकुलरली भागने वाला है, यहाँ पे मैं कॉल ऑप्शन ले लूंगा तो बहुत ज्यादा पैसा कमाऊंगा, सिंपल चीज है। उसके लिए क्या करना है, आपको सबसे पहले देखना है निफ्टी 50 को जाना है कि निफ्टी 50 में आपका ये है निफ्टी 50, इसमें आपको ओपन करना है चार्ट, सिंपल से बेसिक से मैं लेके जाऊंगा एडवांस तक, ठीक है, ध्यान से देखना। मेरे हिसाब से आप लोग लाइक कर दिए होंगे, नहीं किया तो कर देना, ठीक है, ये सब हाइड कर देता हूँ। तो इसमें हमको डे टाइम फ्रेम में सीधा सीधा चला जाना है, ज्यादा कुछ भी दिमाग लगाना नहीं, परफेक्टली देसी से समझाऊंगा। देखो यहाँ पे हम आ गए डे टाइम फ्रेम में, इसको छोटा करेंगे। अभी हमको क्या दिख रहा है डे टाइम फ्रेम में, अभी हमको दिख रहा है कि मार्केट ये सेलिंग में था, मतलब ट्रेंड क्या था उस कुछ दिन पहले, सेलिंग ट्रेंड था। उसके बाद फिर मार्केट का ट्रेंड अभी क्या है, पॉजिटिव ट्रेंड है, ठीक है। वैसे ही मार्केट का ये उससे पहले दिन क्या था, कुछ दिन पहले सेलिंग में था, फिर ये ट्रेंड पॉजिटिव है, आपको ये तो दिख रहा है ना। मार्केट का ट्रेंड सेलिंग में जब रहता है डे टाइम फ्रेम में, रेड कैंडल गैप डाउन खोल के चलता रहता है, और जब ट्रेंड पॉजिटिव में आता है तो ग्रीन कैंडल कंटिन्यू बनते रहता है। इतना तो आपको डे टाइम फ्रेम में पता चल जाएगा मार्केट जा किधर रहा है अभी रिसेंटली 2-4 दिन के आसपास, ठीक है। जब मार्केट सेलिंग में रहता है आपको टॉप लूजर को कैप्चर करना है, मार्केट बाइंग में रहता है टॉप गेनर को कैप्चर करना है, ये सब बोलते हैं। बाकी ऐसे टॉप लूजर टॉप गेनर बहुत सारे हैं, कैसे पिकअप करोगे आप, सिंपल चीज है, डाउट ये भी आ रहा होगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको बेसिक से समझाऊंगा। तो अभी हमको पता चल गया कि मार्केट का ट्रेंड अभी पॉजिटिव में है, उसके लिए मान लो जिसके पास लैपटॉप और मोबाइल नहीं है उनके लिए मैं पहले बताऊंगा, उसके बाद जिनके पास सॉरी जिसके पास लैपटॉप और पीसी नहीं है पहले उन लोग के लिए बताऊंगा, उसके बाद जिसके पास लैपटॉप है उनके लिए कुछ सॉफ्टवेयर बताऊंगा, ठीक है। तो मान लो आपके पास नहीं है लैपटॉप, अगर आप सिर्फ मोबाइल में ट्रेड करते हो, तो उसके लिए आपको एक देसी चीज है जो कि आप सीधा सीधा गूगल में सर्च करोगे, यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, सीधा सीधा गूगल में जाओगे, यहाँ पे सर्च कर लोगे आपने क्या सर्च करना है, यहाँ पे टॉप गेनर सर्च करना है, ठीक है, टॉप गेनर सर्च करना है। और ये कितना बजे सर्च करना है मेरे भाई, कितना बजे सर्च करना है ये इंपॉर्टेंट है। आपको लगभग 23 तारीख का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कल 24 था, परसों 23 तारीख का, 23 तारीख को 3:20 में, कितना बजे, 3:20 में, जब मार्केट क्लोज होने से 10 मिनट पहले आपको सर्च करना है। क्यों सर्च करना है वो भी इस वीडियो में बताऊंगा। वो सर्च करना है टॉप गेनर, मान लो अभी मार्केट ट्रेंडिंग में है, बाइंग में है, आपको दिख रहा है डे टाइम फ्रेम में, तो हमको क्या सर्च करना है, टॉप गेनर देखना है। टॉप लूजर को, ये वाला टॉप लूजर है इसको हम फोकस नहीं करना है, टॉप गेनर को देखना है। तो उस दिन 23 तारीख के दिन ये जो है इसका एक फोटो ले लेना मोबाइल में, मोबाइल होगा आपका, एक फोटो कैप्चर कर देना कि 23 तारीख को कितना सारा स्टॉक है जो टॉप गेनर में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। फोटो ले लिया आपने, 24 तारीख को क्या करना है, सेम मार्केट को 9:15 में आके यहाँ पे टॉप गेनर सर्च करना है, 9:15 के आसपास की टॉप गेनर आज का कौन है, ठीक है। तो आपको जब सर्च करोगे आपको एक नया, आपको यहाँ पे एक नया चार्ट देखने को मिल जाएगा जो कि 24 तारीख के दिन टॉप गेनर हो रहा होगा सुबह सुबह, और आपके पास फोटो किसका है, 23 तारीख दिन का है, 3:20 का, जो काल का दिन का टॉप गेनर में क्लोज हुआ था। वो फोटो और इसको मैच कर देना, उसमें से कुछ सिमिलर स्टॉक निकलेंगे दोनों में से, जो काल भी टॉप गेनर था आज भी टॉप गेनर है। उसमें से HDFC बैंक था मेरा 24 तारीख के दिन के, वो काल भी टॉप गेनर था और आज भी टॉप गेनर में जा रहा है। आया समझ में, काल के दिन में वो गेनर में होना चाहिए, आज भी गेनर में होना चाहिए, 24 जाके वो पैसा आपको निकल के देगा। तो जब मुझे ये इतना सारा स्टॉक में से 2-3 स्टॉक ऐसे मिला था, HDFC हो गया, BPL BPCL हो गया, ऐसा 2-3 स्टॉक ऐसे मिला था जो टॉप में था HDFC में, इसको फोकस किया क्योंकि ये भी 23 तारीख के दिन 3:20 में मेरा टॉप गेनर में था,
ठीक है। तो इसको जब हम फोकस करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा सीधा स्क्रीन में चलेंगे 9:15-16 के आसपास, और यहाँ पे सर्च कर देंगे HDFC बैंक, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे HDFC, क्योंकि दोनों दिन ये सेम मिला था हम लोग को टॉप गेनर लिस्ट में 23 को और 24 को। इसमें क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा वो भी देख लो। उसके बाद मैं और एक सॉफ्टवेयर देने वाला हूँ जो कि और एडवांस होता है, ठीक है। ध्यान से देखो, ये पहले से मैंने मार्क किया था क्योंकि इसमें ट्रेड लिया हुआ था। इस सबको डिलीट कर देता हूँ, आपको समझ में फिर नहीं आएगा नहीं तो। ओके, इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ओके, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे ये यह है 23 तारीख का मार्केट ओपन हुआ है, 23 तारीख यहाँ से किधर ओपन हुआ है, ठीक है। 23 तारीख का पहला कैंडल कौन सा है, ये वाला कैंडल है 9:15। टाइम फ्रेम क्या है, 15 मिनट है। देखो कमेंट में मत बोलना कि सर 5 मिनट 10 मिनट, क्योंकि जो स्ट्रैटेजी मैं वो स्ट्रैटेजी दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 23 तारीख के दिन हम लोग को पता चल गया कितना, 3:20 के आसपास यहाँ पे कहीं पे 3:20 में, कि हमको ये पता चल गया कि मार्केट ये HDFC बैंक जो है ट्रेंडिंग में है। 3:15 3:20 आप किधर भी सर्च कर सकते हो, मार्केट आज टॉप गेनर में। तो हमको 24 तारीख में सेम स्टॉक मिला टॉप गेनर में, कल भी मिला था आज भी। उसके लिए आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम में क्या करना है, पहला जो कैंडल होता है 15 मिनट का, उसका एक हाई को ऐसे क्लिक कर देना है कि ये इसका हाई है। ओके, इसको आपने क्लिक कर देना है, ये हाई को पूरा वीक से लेकर क्लिक करना, ये आपका हाई निकल गया 15 मिनट टाइम फ्रेम में, कि आज के दिन ये टॉप गेनर मुझे मिला, कल भी ये टॉप गेनर था और ये 15 मिनट का आज के दिन का ये हाई है। अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट आपको वेट करना है कि हाई को कब क्रॉस करता है 15 मिनट टाइम फ्रेम में कैंडल, जो कि ये वाला कैंडल ने आपका ये हाई को क्रॉस किया है। देख रहे हो कितना बजे क्रॉस किया है, 10:45। नॉर्मली 11:30-12 बजे तक आपको इसको टारगेट में रखना चाहिए, 11:30 बजे के बाद इसको टारगेट नहीं, तो 11:30 बजे के आसपास ये ब्रेकआउट दे दिया, देन फिर आपको ये मूवमेंट देगा ही देगा, ठीक है। ऐसे आपको 2-3 स्टॉक मिला होगा, जैसे BPCL हो गया, HDFC, 2-3 स्टॉक मिला होगा जो कल भी टॉप गेनर था, आज भी टॉप गेनर है, और मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव ही है, मार्केट का ट्रेंड बाइंग की तरफ है। तो फिर हम वो तीनों का इसे क्लिक करके 15 मिनट का हाई लगा के बैठ जाएंगे, तीनों में से जो भी कैंडल पहले निकलता है हम उस कैंडल के तरफ चले जाएंगे। 1:2 रिस्क रिवार्ड कैसे रहेगा वो भी समझाता हूँ, ध्यान से देखो। फिर सॉफ्टवेयर के पास जाएंगे, ठीक है, सॉफ्टवेयर और आपको एडवांस चीज बता देगा। ओके, यहाँ पे आपने क्या करना है, इस पर्टिकुलर कैंडल ने आपको एंट्री करना है, ठीक है। इसमें रिटेस्ट का जरूरत नहीं रहता कि आप ये रिटेस्ट आएगा लेना है, नहीं, आपको 1:2 रिस्क रिवार्ड लेना है, सीधा स्टॉप लॉस टारगेट से बात करना है। कैसे, यहाँ पे आपको एंट्री किया आपने और स्टॉप लॉस आपका जिस कैंडल ने 15 मिनट को क्रॉस ओवर किया होगा, लिख लो पेन पेपर में भाई, जिस कैंडल ने क्रॉस ओवर किया होगा उसी कैंडल के लो आपका स्टॉप लॉस है, ये हो गया आपका SL, और यहाँ पे आपका इस कैंडल में एंट्री है। ये यहाँ से लेके आपने क्या करना है, मार्क कर देना है। कैसे मार्क करना है, ये आपका मान लो कहाँ है ये लॉन्ग पोजिशन, यहाँ पे मैं लगा के दिखाता हूँ, ठीक है। ये आपका इस कैंडल में एंट्री है और आपका स्टॉप लॉस मान लो ये वाला कैंडल है। ओके, तो आपका यहाँ पे कितना पॉइंट आप दे रहे हो, 2 पॉइंट आपने दे रहे हो, ठीक है, 3 पॉइंट मान लो, 4 पॉइंट दे रहे हो, ओके, राउंड फिगर में। तो आपका मिनिमम 8 पॉइंट टारगेट होना चाहिए, 8 पॉइंट आपको, ये 8 पॉइंट ऑप्शन में देखोगे बहुत तगड़ा पैसा, इसी का अगर ऑप्शन खोलोगे ना बहुत तगड़ा पैसा आपको बनेगा। तो आपका वहां पे सीधा सीधा या स्टॉप लॉस दे दो, 4 रुपीज का स्टॉप लॉस दे दो, या 8 रुपीज का आपने टारगेट ले लो ऑप्शन में, कॉल ऑप्शन का बात कर रहा हूँ। या आप अगर इंट्राडे भी करते हो इसमें तब भी कोई इशू नहीं है। मैं ज्यादातर स्टॉक में ऑप्शन कैसे करता हूँ, मैं इस वीडियो ऑप्शन के ऊपर, आप इंट्राडे भी कर सकते हो, अगर रिस्क थोड़ा कम करना है तो आप यहीं से इंट्राडे भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे 8 रुपए में कहाँ पे मिला आपको, लगभग 2 बजे के आसपास ही आपको टारगेट दे दिया जो आपको टारगेट चाहिए था। वैसे ही अगर आपको सॉफ्टवेयर की तरफ जाना है, अभी टॉप गेनर में मैं समझा दिया, अभी आप बोलोगे सर हम थोड़ा एडवांस है, 9:15 तक वेट नहीं करें, हमको 9 बजे पता चलना चाहिए कि एक्चुअली मार्केट में क्या कौन सा स्टॉक मूवमेंट देने वाला है। उसके लिए बढ़िया सा सॉफ्टवेयर मैं जो फ्री वाला यूज करता हूँ, बहुत सारा फ्री सॉफ्टवेयर है, किसी में भी जा सकते हो, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, आप अपना मर्जी है किसी में भी जाओ। मैं जो यूज करता हूँ मैं बस आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैं यूज करता हूँ TX3, जो कि आपका वीडियो का थंबनेल में देखे होंगे, TX3 सॉफ्टवेयर जो कि बहुत काम का है। ये हो गया TX3, इसको एक बार ओपन होने दो, ओपन हो गया TX3, ठीक है। इसमें आपको लॉगिन वगैरह जो करना है कर लेना, ये सीधा इसका इंटरफेस ऐसा दिखता है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या देखना है कि यहाँ पे जाना है मार्केट स्टार्ट में, यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे इक्विटी का ऑप्शन आएगा, इक्विटी स्टैटिस्टिक का ऑप्शन आएगा, सीधा यहाँ पे क्लिक कर देना, इसको बड़ा कर देना। ये आपको डाटा 15 मिनट पहले देता है, 9 बजे के आसपास ही आपको डाटा दे देगा कि कौन सा स्टॉक आज भागने वाला है। ये एक देखा जाए तो एक मेरे लिए तो एक क्या बोलूँ, गिफ्ट जैसा ला के देता है कि ये गिफ्ट ले ले आज, तो इससे पैसा कमा ले, इस तरह से मैं बोलूंगा तो गलत नहीं होगा ये सब तरह से, ठीक है। इसमें यहाँ पे टॉप गेनर लगा हुआ है, आप टॉप लूजर भी मारोगे क्योंकि अभी मार्केट का ट्रेंड बाइंग में है, तो ज्यादा टॉप गेनर आपको देखना है। पर मैं इसमें क्या करता हूँ, अगर इंट्राडे करना है, ये टॉप गेनर में ये सारे स्टॉक पहले से ही पता चल जाएगा कि कौन सा स्टॉक आज मूवमेंट देने वाला है। इसमें भी देखना आप HDFC वगैरह होगा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, 52 वीक्स हाई को पकड़ता हूँ, क्योंकि जब मार्केट बुलिश ट्रेंड में रहता है ना, अगर बुलिश ट्रेंड में है और कोई अपना 52 हफ्ता
हाई को तोड़ा है तो वो स्टॉक आपको बड़ा पैसा देने वाला है। तो उसका मैं क्या करता हूँ, 3:20 में सेम इसका भी एक फोटो ले लेता हूँ, अगले दिन 3:20 में इसका भी, अगले दिन 9:15 9 बजे के आसपास, क्योंकि इसका 9 बजे ये आपको दे देता है डाटा, 9 बजे इसको ओपन कर देता हूँ तो मुझे पता चल जाता है कौन सा स्टॉक कल भी था टॉप गेनर में 52 वीक्स हाई, आज कौन सा स्टॉक है 52 वीक्स हाई। उसमें मैं इंट्राडे करता हूँ, ऑप्शन अलग है इंट्राडे अलग है, ठीक है, इंट्राडे करता हूँ। उसमें कैसे करता हूँ, देखो ये जैसे यहाँ पे मिल गया, इसमें आपको इंट्राडे करना है तो ये आप सीधा आप डबल क्लिक करोगे तो इसमें आपको चार्ट भी दिख जाएगा कि 52 वीक्स हाई में, हाई में ये चला गया है, ठीक है। इसमें आप 5 मिनट में फोकस कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट का जरूरत भी नहीं है अगर इंट्राडे आपको करना है तो। ये वाला स्टॉक जो नाम है इसको हम कॉपी करके वहाँ पर अभी धन में पेस्ट करके देखेंगे कि क्या सही है क्या, ये हम लोग अभी कॉपी करते हैं, ठीक है। ये हो गया, ये आपको क्या करना है इसमें 5 मिनट को फोकस करना है, 15 मिनट को करेगा तब भी चलेगा, बाकी मैं 5 मिनट को भी फोकस करता हूँ। तो 24 तारीख कौन सा है, 24 तारीख का यहाँ पे है, 9:15 का कैंडल कहाँ पे है, देखो ध्यान से देखो। ये आपको कोई नहीं सिखाता जो मैं सिखा रहा हूँ, लाइक नहीं किया तो एक बार कर देना यार, ठीक है, क्योंकि आपको रिक्वेस्ट करना नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आप मेरा चैनल जो है ये मेरा कभी नहीं मानता हूँ, ये आपका मानता हूँ, आप जो रिकमेंड करते हो मैं आपको ला के दे देता हूँ। यहाँ पे देखो ये 9:15 का पहला कैंडल है और ये हमको टॉप गेनर में मिल रहा है 9 बजे, ठीक है। उस टाइम ये 12% नहीं होगा, 2-3% 4% में चल रहा होगा, डे क्लोज में वो 12% हुआ है, बाकी ये प्रीवियस डे में भी टॉप गेनर में होगा, जरूर होगा, देखो प्रीवियस डे में भी ये ट्रेंडिंग था, ठीक है। तो फिर हम इसको फोकस करेंगे, 23 तारीख को देखो ये टॉप गेनर में था तो 24 तारीख को भी ये आया है, और इस जगह में हमको क्या करना है, पर्टिकुलर 9:15 का हाई लो मार्क करना है, हाई मार्क कर दो तब भी चलेगा, ओके। इसके बाद आपको क्या करना है, ये कैंडल ने क्लोज दिया है 15 मिनट का, किसके ऊपर, आपका 10:45 के आसपास ये अपना 15 मिनट का जो ये कैंडल था इसको क्रॉस ओवर कर दिया है, आप नेक्स्ट कैंडल में इंट्राडे कर सकते हो, पर इसमें आपको क्या करना है, 5 मिनट में जाओगे तब भी चलता है, ठीक है। 15 मिनट का हाई लो मार्क कर दो इसका सबसे पहले, ठीक है, उसके बाद 5 मिनट में शिफ्ट हो जाओ, वेट करो। इसमें क्या है, थोड़ा सा चेंजेस है, आपको NSE के तरफ से अगर जाओगे ऑप्शन करने के लिए तो आपको 15 मिनट का ब्रेकआउट चाहिए, लिख लिए। अगर आपको इंट्राडे करना है 52 वीक्स हाई कोई स्टॉक अपना क्रॉस किया है तो उसके लिए आपको 15 मिनट में हाई लो मार्क करना है, 5 मिनट में शिफ्ट होके वेट करना है कि आपको कहाँ 5 मिनट का कैंडल उसके ऊपर क्लोज दे रहा है, ठीक है। तो ये 10:45 से 10:50 वाला कैंडल ने 5 मिनट का यहाँ पे क्लोज दिया, आप इसी कैंडल में इंट्राडे बाइंग की तरफ आप कर सकते हो, उसके बाद देखो आपको रैली आ गया, मजा समझ में आ गया, ये आपको पहले से पता चल जाएगा कि मार्केट आज बाइंग में है, क्योंकि आपको डे टाइम फ्रेम में निफ्टी में पता चल गया। उसके बाद ये अगर सॉफ्टवेयर यूज करोगे ऐसे, अगर और एक दो सॉफ्टवेयर भी है और एक दो स्टॉक भी है, अगर ये स्टॉक भी लोगे फिन केबल, ये भी आपको सेम चीज देखने को मिलेगा, ठीक है। ये अभी 12% दिख रहा है, पर जब मैंने इस ट्रेड को पर्टिकुलरली क्योंकि मार्क किया है तो एग्जीक्यूशन किया होगा उस ट्रेड में, उस टाइम में 4-5% प्लस में चल रहा था, ठीक है। दी एंड में ये जब मूवमेंट दे देता है तो ये 12% बन जाता है, 14% बन जाता है, पर उस टाइम में 2-4% 5% के आसपास ही रहता है मॉर्निंग के टाइम में जब आप ये फाइंड आउट करोगे। तो अगर मैं ये वाला मारूंगा जो सेकंड स्टॉक था, यहाँ पे देखो कौन सा स्टॉक था, ये यहाँ पे फिन केबल था ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे टॉप 52 वीक्स हाई का, यहाँ पे देखो ये अपना 5 मिनट में भी क्लोजिंग दे दिया है, या 15 मिनट में भी कैप्चर करोगे तो यहाँ के ये आपको यहाँ पे ट्रेड मिलेगा। ज्यादा बड़ा टारगेट हालांकि मिला नहीं, बाकी आपको लॉसेस में भी कन्वर्ट होने नहीं दिया, बाकी अगर 5 मिनट को फोकस करोगे देखो ये निकला, ये सीधा सीधा आपको एक बाइंग की तरफ ट्रेड, ओके। तो ये इसमें भी 1:2 रिस्क रिवॉर्ड आप इंट्राडे के लिए फॉलोअप कर सकते हो, क्योंकि एक सिंपल चीज देखो, अगर कोई स्टॉक 52 हफ्ते तक नीचे में है और 52 वीक्स हाई को क्रॉस कर रहा है तो डेफिनेटली वहां पे एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, और जब ब्रेकआउट होता है ना वो एक दिन का ब्रेकआउट नहीं होता, वो जब रैली देता है तो 2-3 दिन कंटिन्यू देता है, क्योंकि वो निकला है ना एक बार वो पिंजरे से निकला है, जैसे कैदी को आप जेल में डाल दोगे 2-5 साल के लिए, जब आप उसको पहले बार खोलोगे ना ये हर जगह घूमने चला जाएगा, सिंपल चीज है। वैसे ही जब ये 52 हफ्ते के बाद निकलता है तो वहां पे ऑपरेटर का मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि स्टॉक को मूवमेंट देने के लिए, और रिटेलर का भी एंट्री वहां पे बहुत ज्यादा ही होता है, तो स्टॉक आपको डेफिनेटली पैसा देगा। अगर आपको ऑप्शन में इशू आता है इंडेक्स में निफ्टी 50 बैंक निफ्टी, तो फिर ये आपके लिए बेस्ट है जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताया, सॉफ्टवेयर के मदद से कैसे करोगे और NSE के थ्रू से आपको ऑप्शन टॉप गेनर आपका हर ब्रोकर में भी दिख जाता है धन वगैरह में। बाकी मैं चाहूंगा गूगल में जाके NSE की तरफ से देखो, थोड़ा डाटा आपको अच्छा मिलेगा और सही मिलेगा, ओके। आई होप आप ये पसंद आया होगा। यहाँ पे कोने में एक टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे आप जरूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि वहाँ पे भी मैंने ये सब चीज़ को देता रहता हूँ आपको प्लानिंग में, खुल के यहाँ पे कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकता, बाकी वहाँ पे ज्वाइन हो जाना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपको देखने को मिलेगा। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन हो जाना, आपको अगर सीखना है वो फ्री है, कोई कॉस्ट नहीं है। अगर इस टाइप का कंटेंट चाहिए तो कमेंट में, और कुछ कंटेंट के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर लिख देना। और तीसरा चीज़ है आपके लिए, काल परसों एक मेरा फेवरेट स्टॉक सिलेक्शन जो है
जिसमें मैं इन्वेस्ट करने वाला हूँ, वो अगर चाहिए तो कमेंट में बोल देना, उसका भी एक वीडियो मैं डाल दूंगा जो मेरा स्पेशली पूरा कंपनी का बायोडाटा निकाल के मैंने ढूंढ के रखा हूँ, वो गोल्डन जैसा स्टॉक में अगर बोलूंगा उसमें कैसे क्या ट्रेड करना है, कहाँ पे एंट्री लेना है, कहाँ पे एग्जिट, सब कुछ मैं आपको प्लान बता दूंगा। अगर लाइक नहीं किया तो अभी तो प्लीज लाइक करना और सब्सक्राइब करके ही जाना। थैंक यू वेरी मच, आई होप आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू।